दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हम लेकर आए हैं आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि उनको एज अ फ्रेशर एचआर के अंदर जॉब रिक्वायरमेंट है, आप लोग एचआर के अंदर एक जॉब लेकर आइए सर। तो हम लोग आ चुके हैं एचआर फील्ड के अंदर आप लोगों के लिए एक वर्क फ्रॉम होम की जॉब लेकर के हुए, जिसमें कंपनी की तरफ से हर एक डिटेल हमारे को यहाँ पे मिल चुकी है, गूगल फॉर्म हम लोगों को मिल चुका है। तो दोस्तों, बात करें इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये जो कंपनी है इसका नाम है एवासॉफ्ट। एवासॉफ्ट कंपनी जो है बेसिकली एक कंपनी है जो कि बेस्ड आउट ऑफ है यूएस के अंदर बेस्ड है ये कंपनी, एंड इनके हेडक्वार्टर्स हैं इस टाइम पे चेन्नई में, यूके में एंड यूएस के अंदर। ये लोग हायरिंग कर रहे हैं एंड देख रहे हैं एचआर प्रोफेशनल्स को, जो कि एज अ फ्रेशर या फिर अगर आपको 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हर एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। पोजिशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, एचआर एग्जीक्यूटिव रोल आपका यहाँ पे रहने वाला है, फ्रेशर हो अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर आपको 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। देन सैलरी इन्होंने बताया हुआ है 5 CTC रहेगा, यानी कि 5 LPA का पैकेज आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एंड यहाँ पे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन 2020 के अंदर, 2021, 2022, 2023 एंड 2024 के अंदर अगर आप कर चुके हो या फिर करने वाले हो कंप्लीट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनका अभी 2024 में ख़त्म होने वाला है अपना ग्रेजुएशन, वो भी यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। हर एक स्पेशलाइजेशन के लोग यहाँ पे एलिजिबल आने वाले हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, 12th पास कैंडिडेट्स जो इस टाइम पे अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, 2024 में कंप्लीट करेंगे, वो भी एलिजिबल है, एंड सभी ग्रेजुएट्स यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। रिक्वायरमेंट स्किल्स में इन्होंने मांगा हुआ है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपका होना चाहिए एंड गुड बिजनेस एक्यूमेन आपके अंदर होना चाहिए। ये जो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म की जो फिल करने की लास्ट डेट रहेगी वो आपका 17 अप्रैल रहेगा 2024। 6 PM से पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है गूगल फॉर्म के अंदर। देन जैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आप लोगों का एक वर्चुअल डिस्कशन ग्रुप होने वाला है, बेसिकली ग्रुप डिस्कशन रहेगा आपका, जिसे हम GD बोलते हैं वर्चुअल मोड में, जो आपका 18 से 19 अप्रैल के बीच में रहने वाला है। उसके रिगार्डिंग आप लोगों को जो ईमेल है, उसमें ईमेल में आपको हर एक डिटेल दी होगी जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। ये गूगल फॉर्म जो है आपको ये फिल करना है। गूगल फॉर्म कैसे फिल करना है पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम मेंशन करोगे, देन आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है एंड अल्टरनेट नंबर मेंशन करना है, देन आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करोगे। आफ्टरवर्ड्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है आपकी लोकेशन, आप जिस भी एरिया से हो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अपना कॉलेज का नाम, जहाँ पे आप अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप ग्रेजुएशन मेंशन करोगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है MBA वगैरह तो आप वो मेंशन करोगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है ग्रेजुएशन के अंदर आपने कौन से स्ट्रीम में किया हुआ है, इंजीनियरिंग में किया, कॉमर्स में किया, इवन कि डिप्लोमा वाले भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने आर्ट्स किया तो आप आर्ट्स भी मेंशन कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएशन का, एंड अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आप डिप्लोमा की ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे चूज करने वाले हो। देन अगर आपका डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, येट टू कंप्लीट है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन इमिजिएटली, तो आपको यहाँ पे येस करना है तो ही आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है, एंड आप सिंपली यहाँ पे सबमिट कर दोगे। जैसे आप सबमिट करते हो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, एंड आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा इनके इसी जगह पे कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होती हो, उसके बाद आप लोगों के लिए ये लोग जो है एक GD डिस्कशन जो है वो रखने वाले हैं वर्चुअल मोड पे, जो आपका 18 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में रहेगा, और उसका लिंक आपको आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा 18 अप्रैल से पहले पहले। देन इन्होंने क्लियरली बताया जो भी GD में बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, जो कि आपको इन्होंने बताया फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन पर्सन PI राउंड जो है पर्सनल इंटरव्यू आपका रहने वाला है। उसके लिए आपको इनके ऑफिस में आना पड़ेगा जो कि है एवासॉफ्ट का नेवलूर ब्रांच, इस जगह पे आपको जाना पड़ेगा, जो कि आपको जाना है 26 अप्रैल को। देन आपको जो है यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी ये कंपनी प्रोवाइड करने वाली है, ऐसा हमें बताया गया, बट ये चीज़ इनके ऊपर डिपेंड कर रही है कि ये लोग आपको वर्क फ्रॉम होम देते हैं या फिर नहीं देते, बट मे बी ये आपको वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं, अदरवाइज वर्क फ्रॉम ऑफिस भी रह सकता है, बट वर्क फ्रॉम ऑफिस या फिर वर्क फ्रॉम होम दोनों में से इन्होंने कुछ भी चीज़ें यहाँ पे क्लैरिटी में नहीं शो की हुई हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बट आप लोग डेफिनेटली ट्राई करो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पैकेज भी एज अ फ्रेशर आपको 5 LPA का मिलने वाला है, तो डेफिनेटली अप्लाई करो। आगे सिलेक्शन होता है तो डेफिनेटली आपको अगर वर्क फ्रॉम होम मिलता है ग्रेट, नहीं मिलता तो आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो।
सो दोस्तों, आई होप ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली अप्लाई करो। बाकी हम मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अगर कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो हमसे, सारे डाउट्स हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो ऑफ कोर्स जॉब अपडेट्स के लिए, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।